हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो यहां पर विजय मेहर फोटो एडिटिंग पर होने वाला है। सो गाइस, स्क्रीन पर जो फोटो आपको नज़र आ रही है, तो गाइस इस टाइप की फोटो एडिटिंग इंस्टाग्राम पर कुछ ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप की फोटो एडिटिंग को पिक्सआर्ट से कैसे एडिट कर सकते हो। तो गाइस, इस टाइप की एडिटिंग को सीखने के लिए आपको सब स्टेप यहाँ पर कम्प्लीटली फॉलो करने होंगे। सो गाइस, अभी तक आपने एमएस एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे से रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, इससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो गाइस उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी फोटो को इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम फोटो को यहाँ पे बैकग्राउंड पहले ही रिमूव करके फोटो को सेव कर लें, ताकि हम जो भी स्टेप आगे करें फोटो एडिटिंग के लिए, इसमें हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, इसके लिए आपको फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको कटआउट वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस पर आना है आपको और आपकी फोटो के अराउंड ये रेड कलर की आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है, जिससे हमारे यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड काफ़ी आसानी से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा कुछ स्टेप के अंदर। तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पे आउटलाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट एरो वाला ऑप्शन नजर आएगा, तो इस पर आपको टैप करना है, जिससे आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के पार्ट को सेलेक्ट कर लेगा, ऑब्जेक्ट को। और जो भी कुछ करेक्शन आपको यहाँ पे करने हैं, तो आपको यहाँ पे पेंसिल वाले टूल्स पे जाने और जो पार्ट आपका मिसिंग है उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, जो भी पार्ट मिसिंग है आपका यहाँ पे, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। और जो पार्ट आपको यहाँ पे इरेज करना है बैकग्राउंड वाला, वो आप यहाँ पे इरेज कर दीजिएगा और आपको इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में गाइस, आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिकली माई स्टिकर में सेव हो चुकी है, तो स्टिकर का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी इस फोटो को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। आप अपने ड्रॉ वाले टूल्स में इसको जाके सेव कर लेना, ताकि प्रॉपर आपके यहाँ पे सेव रहेगी। तो गाइस, इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी फोटो का बैकग्राउंड ऐड करना है, जिस पे आपको एडिटिंग करनी है। तो गाइस, विजय मेहर वाली फोटो एडिटिंग का बैकग्राउंड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आप बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना और आपके पिक्सआर्ट में इंपोर्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा करेक्शन करना है, तो आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ से आपको कर्व को सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा यहाँ पे लाइट हो जाएगा। डार्क करना चाहते तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। इतना हम यहाँ पे इसको लाइट करते हैं और इसको राइट डन कर देते हैं। राइट डन करने के बाद में आपको, या तो आप एड फोटो पे जाके उसे ऐड कर सकते हो, या आप स्टिकर वाले पार्ट पे भी जाके ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टिकर वाले पार्ट पे जाके फोटो को ऐड कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पे पहले इरेज करके रखी हुई थी अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे आना है और माई स्टिकर में कटआउट में जाना है, जहाँ से आपको फोटो को ये ऐड कर लेना है। तो गाइस, ऐड करने के बाद में आप देख सकते हो कि फोटो, अगर आपको जहाँ पे फोटो को सेट करना है मिरर के ऊपर, उतना आप इसे सेट कर लीजिएगा जिस साइज में। तो मैं इसे कुछ यहाँ पे इतना यहाँ पे इसे सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद में गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है कि ओपेसिटी फोटो की, उसको आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के आसपास इसको सेट कर देना है। और आपको इरेजर वाले टूल्स पे यहाँ पे चले आ रहे हैं, यहाँ से आपको इसकी सेटिंग को, इरेजर की सेटिंग को आपको 100 रखना है हार्डनेस को इसमें, और साइज को आपके अनुसार सेट कर देना है जिस पे आप यहाँ पे इरेज कर सको। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका मिरर के अलावा एक्स्ट्रा पार्ट है, वहाँ से आपको इस फोटो को इरेज करना है कुछ स्टेप से। जिससे आपका जो भी बॉडी का पार्ट है वो केवल यहाँ पे मिरर पर ही शो होएगा और आपकी फ़ोटो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ। तो सभी पार्ट आपको यहाँ पे इरेज करने, जो आपके मिरर के अलावा बाहर आ रहा है। तो गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या है कि थोड़ा फास्ट तरीके से कर लेता हूँ, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट यहाँ पे ज़्यादा ना हो पाए। तो आप देख लीजिएगा एक बार मैं किस स्टेप से यहाँ पे कर रहा हूँ।
तो गाइस हमने यहाँ पे जो भी करेक्शन करना था, अपनी फोटो को ड्रॉ करना था मिरर मिरर वाला पार्ट पे, तो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो आपको यहाँ से इसको राइट डन करना है। राइट डन करने के बाद में आपको ओपेसिटी बढ़ा के देखना है, यानी आपका कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके में परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर चुके हैं हम यहाँ पे जो भी हमें करना था। तो इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ ऑलमोस्ट 90+ रखेंगे, और इसको आपको यहाँ से इसको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइस अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिरर है उस पर भी हमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारी फोटो यहाँ पे और बेटर तरीके से अच्छी लग सके। तो आपको वही वापस स्टिकर पे जाना है और आपकी जो फ़ोटो थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको एक पार्ट हम यहाँ पे इतना रख लेता हूँ, मैं इसे इतना रख लेना है ऊपर वाले मिरर के ऊपर। और इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है और इसकी ओपेसिटी भी कम कर देनी है। कम करने के बाद में आपको वापस इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से हार्डनेस को फुल करना है। और आपको पहले तो हम यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा वाले पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसे इसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारी फ़ोटो में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से इफेक्ट आ सके, और हम जो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से एडिट हो सके। इतना करने के बाद में आपको इसको वापस राइट डन कर देना है, और इसकी भी आपको ओपेसिटी को फुल बढ़ा देना है। फुल बढ़ा के इसको एक बार राइट डन करना है, और राइट डन करने आप डाल सकते हो इफेक्ट वाले टूल्स में आना है। अगर आप इफेक्ट डालना चाहते हो तो आपको गाइस यहाँ पे इफेक्ट्स में आना है, और आपको यहाँ पे SDR वाला इफेक्ट इसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि इफेक्ट आपके अच्छे लगे, जिसमें आपको अनशार्प पे इसको यहाँ पे कम कर देना है आपको, और इसको ऑलमोस्ट राइट डन कर देना। तो गाइस देख सकते हो हमारी फोटो यहाँ पे कम्प्लीटली विजय मेहर की तरह यहाँ पे एडिट हो चुकी है। और अगर और भी कुछ यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ टूल में जाएंगे और इसको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। सो गाइज हमारी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि गाइज वीडियो आपको यहाँ पे कैसा लगा। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।